हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स। आज हम कुछ ऐसे सवालों के बारे में बात करेंगे जो इंटरव्यूअर आपसे परमिट टू वर्क रिलेटेड सिस्टम्स के बारे में आपसे पूछ लेता है। ऐसे ही कुछ सवाल मुझसे और मेरे जानने वालों से जो इंटरव्यू से पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ पे लिखा है और हम उनको आज डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, व्हाट इज अ वर्क परमिट एंड डू यू थिंक वर्क परमिट इज नेसेसरी। ये सवाल मुझसे पूछा गया था जब मैं एक GET था। GET के बाद मैं जब पहला इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे सवाल पूछा गया था। सो वर्क परमिट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। वर्क परमिट किसी भी थर्ड पर्सन को ऑथराइज करता है किसी भी एरिया में काम करने के लिए, किसी दूसरे के एरिया में काम करने के लिए। ऑथराइज कौन करता है? एरिया इंचार्ज। तो अगर किसी भी एरिया इंचार्ज को किसी भी थर्ड पर्सन जो कि उस एरिया में काम रेगुलरली नहीं करता है, जैसे मेंटेनेंस टीम हो गई, कोई कॉन्ट्रैक्टर टीम हो गई जो कि उस एरिया में रोज काम नहीं करता है, अगर उसको उस एरिया में कोई भी काम करवाना है तो उसके लिए वो एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसको कि हम परमिट कहते हैं। ये परमिट उस थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को यह अथॉरिटी देता है कि वो उस एरिया में काम कर सकता है। दूसरी बड़ी चीज, वर्क परमिट के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है कि जो वो काम करने जा रहा है उसमें क्या काम करने वाला है, कैसे करने वाला है, उसके अंदर क्या क्या हैजार्ड्स हैं, वो हैजार्ड्स के लिए हटाने के लिए एरिया इंचार्ज और उस एरिया में काम करने वाले लोगों ने क्या क्या किया है, आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है और कौन कौन सी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसको कि हम PPEs कहते हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए काम करते वक्त कौन कौन सी PPEs का यूज करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। इसलिए वर्क परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो किसी भी आदमी को लेना ही चाहिए जब वो किसी भी ऐसे एरिया में जा रहा है काम करने जहां पे वो रोज काम नहीं करता है। और एरिया इंचार्ज को भी अगर कोई भी काम करवाना है, चाहे वो कितनी भी जल्दी का हो, उसको कितनी भी इमरजेंसी हो, लेकिन विदाउट वर्क परमिट कोई भी काम नहीं करवाना चाहिए। सेकंड पार्ट जो था कि डू यू थिंक वर्क परमिट इज नेसेसरी, तो अगर इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछता है तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब देना है कि हाँ बिल्कुल जरूरी है। अगर ये सवाल आप तक आता है मतलब कि इंटरव्यूअर आपसे ये समझ जाता है कि सेफ्टी से रिलेटेड, परमिट टू वर्क रिलेटेड आपके क्या मान सकता है। किसी भी सिस्टम में परमिट टू वर्क सेफ्टी का एक बहुत ही तगड़ा इंपॉर्टेंट स्तंभ पिलर है। तो सेफ्टी टू वर्क के लिए, सेफ्टी एट वर्क के लिए परमिट टू वर्क एक इतना इंपॉर्टेंट अस्त्र है कि अगर आप परमिट टू वर्क बहुत ही रिलीजियसली अपने एरिया में फॉलो करते हैं तो आप कोई भी इंसिडेंस होने से रोक सकते हैं। अगर आप परमिट बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में अगर कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ काम करने वाला भी उस परमिट के हिसाब से ही काम कर रहा है, तो आप मेरी बात मानिए, आप किसी भी हैजार्ड को, इंसिडेंट को, एक्सीडेंट को होने से रोक सकते हैं। इसलिए परमिट टू वर्क सिस्टम इज नेसेसरी व्हेन एवर वर्किंग इन अ प्लांट। दूसरा सवाल है, टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। तो कई बार आपसे पूछ जाता है कि आपके प्लांट में कौन कौन से टाइप्स ऑफ वर्क परमिट हैं जो आपने आज तक फॉलो किए हैं। तो बेसिकली मैंने अपने पिछले वीडियोस में टाइप्स ऑफ वर्क परमिट्स के बारे में डिस्कस किया है। वापस से बताना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट परमिट्स के अंदर, टाइप्स ऑफ वर्क परमिट के अंदर जो पहला परमिट आता है जो कि नॉर्मली आप रोज इशू करते हैं ऐसे कामों के लिए जिसके अंदर हैजार्ड्स, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे कि आपको एक स्ट्रेनर क्लीन करवाना है, तो अगर ऐसा सिस्टम है, स्ट्रेनर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है जो आप रोज करते हैं लेकिन उसके अंदर हैजार्ड्स जो है बहुत कम है। एक नटबोर्ड खोलना है, स्ट्रेनर निकालना है, क्लीन करना है, वापस लगा देना है, इसमें हैजार्ड्स जो है बहुत कम होते हैं। तो ऐसे परमिट्स के लिए हम कोल्ड वर्क परमिट इशू करते हैं। उन परमिट्स के अंदर या उन काम के अंदर फायर होने के चांसेस, कहीं पे गिर के फेटल होने के चांसेस, आग लगने के चांसेस,
बहुत ना के बराबर होते हैं। ऐसे परमिट्स के लिए आपको कोल्ड वर्क परमिट इशू करना है। हॉट वर्क परमिट आप तब इशू करेंगे जब कोई भी ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें कि फायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि स्पार्क जनरेशन हो रहा है जो कि एक फायर में बदल सकता है। कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ ऐसे काम जिसमें कि आपको फायर हैजार्ड हो सकता है, फेटल हो सकते हैं, बड़े इंसिडेंसेस हो सकते हैं, तो ऐसे में आप हॉट वर्क परमिट इशू करेंगे। तीसरा टाइप का परमिट जिसकी वजह से बहुत सारे फेटल इंसिडेंसेस होते हैं और इंडस्ट्रीज में इसको सबसे ऐसे परमिट्स में गिना जाता है जिसकी वजह से नंबर ऑफ इंसिडेंसेस फेटल में ही कन्वर्ट होते हैं। मतलब आदमी की सबसे ज्यादा जान अगर जाती है तो इन परमिट्स को रिलीजियसली फॉलो नहीं करने की वजह से जाती है। तो वो परमिट है कन्फाइंड स्पेस परमिट। कन्फाइंड स्पेस परमिट में, कन्फाइंड स्पेस में अगर आपको किसी को भी काम करवाना है ऐसे यहाँ पे, जैसे कि आप सीवेज के अंदर करवा रहे हैं, किसी पिट के अंदर करवा रहे हैं, किसी भी माइन के अंदर करवा रहे हैं, ऐसी सारी जगह पे आपको क्या करना है, कन्फाइंड स्पेस परमिट इशू करना है और उसके प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। एक स्पेशल टाइप ऑफ परमिट जो कि कन्फाइंड स्पेस का ही पार्ट है उसको हम स्पेशली लेते हैं क्योंकि वो वेसल एंट्री परमिट कहते हैं। वेसल एंट्री परमिट में आपको कई चीज़ें स्पेशली ध्यान देनी पड़ती हैं इशू करने से पहले, इसलिए जो कन्फाइंड स्पेस से थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए हमने वेसल एंट्री परमिट को एक अलग से कैटेगराइज किया है और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियोस में दे रखा है। एक परमिट जो बच जाता है वो है वर्क एट हाइट परमिट। अगर आप 1.8 मीटर्स की हाइट पे काम करने जा रहे हैं जो कि 1.8 मीटर से ज़्यादा की हाइट है तो आपको वर्क एट हाइट परमिट लेना ही लेना है। वर्क एट हाइट परमिट कैसे इशू करते हैं और आपको क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं वो भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। इसके अलावा और भी टाइप ऑफ परमिट्स होते हैं जो कि और भी कंपनीज में इशू होते हैं, जैसे कि एनेट एनवायरमेंट में काम करने के परमिट्स होते हैं, रोड क्लोजर के परमिट्स होते हैं, एक्सकेवेशन के परमिट्स होते हैं, बट ये हर कंपनी में अलग अलग कैटेगराइज नहीं होते। मेन जितने थे वो यही पांच हैं जो मैंने आपको बताया। उसके आता है नेक्स्ट क्वेश्चन था रेंज ऑफ ऑक्सीजन फिट फॉर एंट्री कन्फाइंड स्पेस एंड व्हाई। तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि अगर आप किसी को कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करवा रहे हैं, वेसल एंट्री करवा रहे हैं, एक्सकवेशन करवा रहे हैं, सीवेज में घुसवा रहे हैं, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उस एनवायरमेंट में होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो उसकी रेंज वापस नोट कर लीजिए 19.5 से 23.5। फिर से रिपीट करता हूँ, 19.5% ऑफ ऑक्सीजन टू 23.5% ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज द लिमिट जिसके अंदर कोई भी आदमी काम कर सकता है, जिंदा रह सकता है। वाई का आंसर देता हूं, 19.5 से कम अगर आपका ऑक्सीजन होगा एनवायरमेंट में, एयर में जो कि आप इनहेल कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एंड अगर आपको नहीं मिलता है ऐसा तो आप चक्कर खा के, आपको पहले चक्कर आने लगेगी, वॉमिटिंग हो सकती है। आप ज़्यादा समय तक अगर ऐसे एनवायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है तो फेटल भी हो सकता है। 19.5 से 23.5 आइडियल रेंज है जहाँ पे कोई भी इंसान काम कर सकता है बिना कुछ भी उसको फील नहीं होगा, नॉर्मल एनवायरमेंट जैसा फील करेगा, जो हमारे आसपास है वैसे एनवायरमेंट फील करेगा। 23.5 से ज़्यादा का अगर ऑक्सीजन उसको लगातार आप देते रहेंगे तो अगर आप इनहेल भी करते हैं तो कोई भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल रिएक्शंस होने चालू हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका ब्लड कोगुलेट होना स्टार्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से आपका ब्लड के अंदर ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो करना बंद कर सकता है एंड एट द एंड आपकी डायरेक्ट डेथ हो सकती है। इसे 23.5% से ज़्यादा का ऑक्सीजन एनवायरमेंट कभी भी ह्यूमन बॉडी के लिए फेटल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What type of lifting arrangement should be provided in confined space? What type of lighting arrangement? तो lighting arrangement के ऊपर बहुत बड़ा discussion होता है कि lighting arrangement क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए जब भी confined space के अंदर entry कर रहे हैं। तो lighting arrangement should always be 24 watt of bulb. एक ऐसा bulb use करना है जिसका कि 24 watt का bulb होना चाहिए and it should be flame proof. Flame proof इसलिए कि किसी भी तरीके से हो
आग लगने के चांसेस हम खत्म कर देते हैं। दूसरी चीज, 24 वॉट बल्ब को जलाने के लिए जो पावर चाहिए वो पावर इज नॉट दैट मच सफिशियंट कि किसी भी आदमी को शॉक लगे। तो उसमें जो पावर दी जाती है वो पावर अगर आपको उससे आपको करंट भी लगता है, आपको आप उसको छू भी लेते हैं, आपकी बॉडी उससे कॉन्टैक्ट में भी आ जाती है, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा 24 वॉट का बल्ब यूज करना चाहिए। वॉट इज एन SCBA एंड वॉट इज स्टोर्ड इन SCBA सिलेंडर। तो SCBA आप सबने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो टीवी में देखा होगा, वीडियोज में देखा होगा, सेफ्टी इंटरव्यूज में आपको दिखाते हैं, सेफ्टी अगर आपको ट्रेनिंग हो रहा है तो वहां पर आपको दिखाते हैं, आपने यूज नहीं किया है। SCBA का फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपैरेटस। जैसे इसका नाम है कि वो सेल्फ कंटेंट, खुद के अंदर उसके अंदर ब्रीदिंग अपैरेटस, ब्रीदिंग करने के लिए एक अपैरेटस है, एक इक्विपमेंट है। SCBA कभी भी इमरजेंसी में आप कहीं भी ऐसे एरिया में घुसने जा रहे हैं जहां पे ऑक्सीजन की कमी है, इमरजेंसी में जा रहे हैं, किसी को फायर फाइटिंग करनी है, नेट एनवायरमेंट में एंट्री करने जा रहे हैं, ऐसी हर जगह पे आपको SCBA की जरूरत पड़ती है। SCBA में आप जब भी यूज करेंगे तो उसके अंदर जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। जी हाँ, SCBA के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। जैसा मैंने आपको पहले बताया इसके लास्ट क्वेश्चन के आंसर में कि अगर आदमी ने 23.5% से ज्यादा का ऑक्सीजन अगर लिया तो फेटल हो सकता है, इसलिए SCBA के सिलेंडर के अंदर आपके पास लिक्विफाइड एयर होती है, जो आपका नॉर्मल एयर आपके एनवायरनमेंट में है उसी को लिक्विफाई करते हैं। तो 21% के अराउंड आपका उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, 78% का आपको नाइट्रोजन होता है एंड 1% आर अदर गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम हाइट अबव व्हिच वर्क एट हाइट परमिट शुड बी इशूड। मैंने बता दिया, फिर से बोल देता हूं, वर्क एट हाइट परमिट आपको तब हमेशा ही लेना है जब आपका वर्किंग की हाइट ग्राउंड लेवल से या किसी फिक्स्ड प्लेटफॉर्म से मोर देन 1.8 मीटर्स की हो। यह सवाल आता है कि 1.8 मीटर से क्यों लिया गया, इसका आंसर देता हूं। अगर आप या कोई भी नॉर्मल आदमी जिसकी एवरेज हाइट, हम जैसे नॉर्मल हाइट जो हम कहते हैं एवरेज हाइट जो 4 फीट कुछ इंच की होती है, अगर कोई भी आदमी 1.8 मीटर्स की हाइट से कम से अगर गिरता है तो किसी भी कंडीशन में गिरे, सर के बल गिरे, कैसे भी गिरे, तो फेटल नहीं होता। लेकिन अगर 1.8 मीटर से ज्यादा की हाइट से गिरता है तो वो फेटल हो सकता है। इसलिए कभी भी आप वर्क एट हाइट कर रहे हैं जो कि हाइट ऑफ वर्क 1.8 मीटर से ज्यादा है ग्राउंड लेवल से या फिक्स प्लेटफॉर्म से, तो आपको हमेशा वर्क एट हाइट परमिट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेसिक अरेंजमेंट्स नियर अ हॉट वर्क एरिया। अगर आप हॉट वर्क करने जा रहे हैं या करवाने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से बेसिक वहां पे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने ही लेने, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बताया हॉट वर्क परमिट किस लिए इशू करते हैं, अगर कोई भी ऐसा काम करने जा रहा है जिसमें कि फायर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अब प्रिकॉशंस कौन से हो जाएंगे, ऐसे चीजें जिससे कि फायर ना हो या हो तो हम उसको बुझा सकें, खत्म कर सकें। तो सबसे पहले चीज ना हो, उसके लिए कोई भी ऐसी चीज उस एनवायरनमेंट नहीं होनी चाहिए, उस एरिया के आसपास नहीं होनी चाहिए जो कि आग पकड़ सके, मतलब सारे ही फ्लेमेबल सब्सटेंसेस वहां से हटा देने। जब कोई चीज होगी ही नहीं जो कि आग पकड़ेगी तो बात ही खत्म होगी, आग किस चीज में पकड़ेगी, पहली चीज। फिर भी उसके बाद भी आपको काम करना है ऐसी चीज के साथ जहां पे चांसेस हैं कि कुछ भी वहां पे एरिया आप खाली नहीं कर सकते, क्लीन नहीं कर सकते, कुछ भी रह जाए वहां पे आग लगे। आग लग गई तो क्या करेंगे, सबसे पहला फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, DCP पाउडर है तो वो भी अच्छा है, सैंड है तो और ही अच्छा है, कोई जल गया तो फायर ब्लैंकेट होना चाहिए, इसके अलावा फायर फाइटिंग के लिए आपका फोम ट्रॉली एंड वाटर होज आपके पास होना चाहिए। इतनी अरेंजमेंट्स रहेंगी तो आप हॉट वर्क परमिट इशू कर सकते हैं। एंड फाइनली, हॉट वर्क करने जा रहे हैं तो परमिट तो जरूरी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन अ कन्फाइंड स्पेस। पिछले वीडियो में जब मैं कन्फाइंड स्पेस के ऊपर डिस्कस कर रहा था तो मैंने कन्फाइंड स्पेस समझाया है, फिर से आपको समझाता हूं। कोई भी ऐसा एरिया
जिसमें कि लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट के पॉइंट्स हो, कोई भी ऐसा एरिया जिसके अंदर लिमिटेड एंट्री एंड एग्जिट के पॉइंट्स हो। जैसे कि आप पिट के अंदर जा रहे हैं तो आप कोई सीढ़ी लगा के जाएंगे, टेम्परेरी सीढ़ी, तो वो लिमिटेड एंट्री होगी, एक ही सीढ़ी होगी जाने के लिए और आने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जब आप कन्फाइंड स्पेस उसको ही डिफाइन करेंगे जहां पे कि वो ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए फिट नहीं है, मतलब कोई भी आदमी उसके अंदर लगातार 24 घंटे 48 घंटे नहीं रह सकता। ये रूम एक कन्फाइंड स्पेस होता अगर ये वॉज नॉट फिट फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, क्योंकि इसके अंदर भी जाने का और आने का एक ही दरवाजा है, लेकिन ये एरिया इज फिट फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। मैं यहाँ पे 24 घंटे, 42 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, पूरे साल रह सकता हूँ, इसलिए ये कन्फाइंड स्पेस नहीं है और आपका पिट कन्फाइंड स्पेस है। अगला सवाल आता है, हु कैन अप्रूव अ कन्फाइंड स्पेस। ये बहुत ही लीगल क्वेश्चन है जो आपसे जब आप मैनेजरियल रोल्स में जाएंगे तो आपसे पूछा जा सकता है, कन्फाइंड स्पेस कौन अप्रूव कर सकता है। सो एक एनवायरमेंटल इंजीनियर, एक केमिकल इंजीनियर और एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर, इन तीनों के पास अथॉरिटी है कि वो एक कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट को ऑथराइज कर सकें अगर इन तीनों के पास एक्सपीरियंस इज मोर देन 7 इयर्स। सिर्फ यही तीन ट्रेड्स ऐसे हैं जो कि ऑथराइज कर सकते हैं किसी को भी कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करने के लिए आफ्टर देयर इंस्पेक्शन। अगला बहुत ही अच्छा सवाल है, वेयर शुड दी एलियर लेवल्स बी चेक्ड इनसाइड अ कन्फाइंड स्पेस। तो अगर आप एक कन्फाइंड स्पेस में एंट्री करवा रहे हैं तो आप उसमें हैजार्डस गैसेस के एलियल कहां कहां चेक करेंगे। मैं एक कन्फाइंड स्पेस बनाता हूं, शायद आपको समझ में आए मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये एक पिट है, पिट की डेप्थ है, इस पिट की डेप्थ में किसी को जा करके काम करना है। यहां पे आदमी खड़ा रहेगा वर्किंग कंडीशन में जब वो होगा, तो एलियल आप कहां कहां चेक करेंगे। ये सिर्फ पिट की बात हो गई, एक वेसल एंट्री करवा रहेंगे तो भी आप एलियल कहां चेक करेंगे। एक इक्विपमेंट है आपको उसके अंदर एंट्री करवानी है, आदमी को खड़े होकर काम करना है, कहां पे खड़े होकर काम करेगा। तो जब आप एलियल चेक करते हैं तो एलियल आपको तीन पॉइंट्स पे चेक करना है। टॉप, मिडिल और बॉटम में हमेशा, क्यों? उसका आंसर ये है, उसके लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी पड़ेगी जो कि अगला सवाल है। तो आपको दो सवालों का आंसर एक साथ दे देता हूं। अगला सवाल था, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेयर एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। तो सवाल का आंसर इसी में छुपा हुआ है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर कहां पे आप एलियल चेक करेंगे एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेयर क्यों आपको पता होना चाहिए जब आप केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज 29 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर आपको पता ही होना चाहिए, क्यों उसका आंसर देता हूं। कई बार आप जिस एनवायरमेंट में काम करते हैं वहां पे हैजार्डस गैसेस मिलती हैं, जैसे H2S, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, क्लोरीन के साथ आप काम कर रहे होंगे, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ काम कर रहे होंगे, ऐसे बहुत सारी गैसेस आपके प्लांट में कहीं ना कहीं मिल जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसी गैसेस जो कि बहुत ही हैजार्डस है आपके हेल्थ के लिए। तो अगर आप ऐसे एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, मान लेते हैं आपको क्लोरीन का आपको मॉलिक्यूलर वेट पता है 30.5 ग्राम पर मोल, अगर आपको एयर का नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप एलियल यहां चेक कर लिया आपने, थोड़ा सा अंदर डाल दिया, अच्छा ठीक है यहां भी चेक कर लिया, ओके खत्म, नहीं भाई एलियल इज ओके, जीरो दिखा रहा है, काम स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपको ये पता होता मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर आपका 29 है एंड क्लोरीन इज हेवियर देन एयर, तो क्लोरीन क्या करेगा,
क्लोरीन आपका एयर से भारी है इसलिए बॉटम में जाके सेटल होगा, नीचे सतह पर जाके बैठेगा। तो जो आदमी काम करने जा रहा है उसको क्लोरीन यहां नहीं मिलेगा, उसको क्लोरीन बॉटम में मिलेगा एंड इंसिडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई गैस लाइट है और आदमी को नीचे से वेसल एंट्री करना है ऊपर के लिए, और आपने जो है नीचे चेक कर लिया, नीचे अच्छा यहां से एंट्री आपने करवाई है, आपने यहीं पे चेक कर लिया और आदमी चढ़ के ऊपर तक चला गया जहां पे कि H2S है, लाइटर गैस कोई है, तो उस केस में क्या होगा, आदमी यहां पे कॉन्टेक्ट में आएगा एंड अगेन फेटल। सो कभी भी आप गैस चेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर रहे हैं, तो आपको मिडिल, टॉप एंड बॉटम तीनों जगह पे चेक करना है। आई थिंक ये थे सारे सवालों के जवाब जो मेरे से पूछे गए हैं, जो मेरे पास आए हैं, जो मेरे दोस्तों ने मुझे भेजे हैं। आपके पास भी कोई सवाल है जो आपसे पूछा गया हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, उन इसके लिए एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, एक नंबर ऑफ मेरे पास सवाल हो जाते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।